हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवन कौशल के पार्ट 6 के बारे में। पार्ट 5 में ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर टेट के नाम से, उसमें आपको ये पांचों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जीवन कौशल का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपका सारा जो टॉपिक है जीवन कौशल का खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शिक्षण कौशल को। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो भी सुपर टेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सबकी तैयारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक हमारा बचा है वो है शिक्षक की भूमिका। सुविधादाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के भविष्य में, या हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए शिक्षक किस किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो सभी के पक्ष में आज हम बात करेंगे कि सुविधादाता किस प्रकार से हम शिक्षक को कह सकते हैं, अनुश्रवणकर्ता किस तरीके से कह सकते हैं, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक या परामर्शदाता किस एस्पेक्ट से कहा जाता है शिक्षक को। ठीक है, तो इसको हम समझने से पहले हम समझ लेते हैं, दो चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि निर्देशन क्या होता है, ठीक है, और फिर हम समझेंगे कि परामर्श क्या होती है। इन दो टॉपिक को समझने के बाद फिर मैं आपका इसमें आऊंगा कि शिक्षक किस तरीके से निर्देशन करता है और किस तरीके से परामर्श देता है। सबसे पहले हम यही समझ लें कि निर्देशन और परामर्श होता क्या है। तो देखो, निर्देशन जो है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं गाइडेंस। गाइडेंस सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है, गाइडेंस एक कॉमन वर्ड है और हम और तुम हमेशा जीवन भर किसी ना किसी से गाइडेंस लेते ही रहते हैं, किसी ना किसी के निर्देशन में हम कार्य करते ही रहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता के निर्देशन में काम करते हैं, जब विद्यालय जाने लगते हैं तो शिक्षक भी निर्देशित करने के लिए शामिल हो जाता है। शिक्षक भी हमें क्या करता है, निर्देशित करता है। ठीक है, दोस्त हमारे हमें निर्देशित करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी जीवन भर चलती रहती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम किसी न किसी से निर्देशन यानी गाइडेंस प्राप्त करते रहेंगे। छोटे से छोटे काम, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल आप हो और आप तैयारी कर रहे हो सुपर टेट की, ठीक है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको किसी न किसी कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा होगा, कोई या आप किसी न किसी से गाइडेंस मांगते ही होंगे। तो आप क्या कर रहे हो, निर्देशन प्राप्त कर रहे हो। वास्तव में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, निर्देशन दे रहा हूँ, निर्देशित कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि निर्देशन है क्या। निर्देशन अगर मैं कहूं जनरली, अगर आप चीज को समझो, अभी हम इसकी डेफिनेशन पे भी आएंगे जो इस वीडियो में लिखी हुई है, बाकी मैं बता रहा हूं आपको निर्देशन है क्या। देखो, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न तरह के सामाजिक, व्यक्तिगत एवं शैक्षिक समायोजन करने में अपना मार्गदर्शन करता है। निर्देशन में क्या होता है, निर्देशन में, अब निर्देशन किस किस क्षेत्र में दिया जाता है इसकी बात कर लें, तो निर्देशन आपका सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक कोई क्षेत्र हो सकता है, आप कोई व्यक्तिगत निर्देशन चाहते हो, या हो सकता है आप कोई शैक्षिक निर्देशन चाहते हो। अभी हम बात करेंगे कि ये सब निर्देशन, सामाजिक निर्देशन क्या होता है। सामाजिक निर्देशन का मतलब यह है कि भाई अगर आप समाज में कोई काम करने जा रहे हो तो आप लोगों से पूछते हो कि ये काम कैसे होगा, ठीक है, किस तरीके से इस काम को किया जाए जिससे कि समाज आपको एक अच्छी नजरों से देखे, आप समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें। व्यक्तिगत निर्देशन, आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या जब होती है, आप किसी उस व्यक्तिगत समस्या के बारे में किसी से निर्देशन ले रहे हो तो आपका व्यक्तिगत निर्देशन हो गया। शैक्षिक समस्या है, आपको कोई शैक्षिक काउंसलिंग चाहिए, आपको भविष्य में क्या बनना है, जैसे मान लो आपको IAS बनना है, तो IAS बनने के लिए आप किसी से पूछ रहे हो कि IAS कैसे बना जाता है, किस तरीके से क्या हमें करना पड़ता है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका शैक्षिक निर्देशन हो गया। तो कई सारे निर्देशन के कई सारे प्रकार होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जिसमें व्यक्ति द्वारा विभिन्न तरह के सामाजिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक समायोजन करने में व्यक्ति क्या करता है, मार्गदर्शन प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, जो आपको निर्देशित करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं
कि जो व्यक्तिगत जो निर्देशन है, निर्देशन के संबंध में जोन्स ने कहा, ये जो परिभाषा है ना आपकी यहाँ पे लिखी हुई है जोन्स के द्वारा है, जोन्स ने क्या कहा है, ये एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में तथा अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की राह में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में दी जाती है। तो ये क्या हो गई, एक व्यक्तिगत सहायता हो गई। तो यहाँ पे जोन्स कह रहे हैं, जोन्स ने क्या कहा है, इसको व्यक्तिगत सहायता कहा है। हालांकि निर्देशन सामूहिक भी हो सकता है, लेकिन परिभाषा तो भाई जोन्स दे रहे हैं, जोन्स ने अपनी परिभाषा में क्या कहा है, तो व्यक्तिगत सहायता कहा है किसको, निर्देशन को। तो एक प्रकार की ये व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन लक्ष्यों को विकसित करने में, आपके जो एम है, जैसे मैंने कहा था कि आपको आईएएस बनना है या आपको टीचर बनना है, तो उसको विकसित करने में, समायोजन करने में, कि आप समाज के साथ समायोजन कैसे करोगे, मतलब सामाजिकता की यहाँ पे बात आ गई, तथा अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की राह में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में, आप जीवन, आप लक्ष्य जो आपने एम अपना बनाया है उसको आप उसके जब एम को प्राप्त, एम की तरफ जब आप आगे बढ़ते हो तो रास्ते में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं जिसे हम पठार कहते हैं, तो उनका समाधान कैसे करोगे, उनका समाधान किया जाता है किसके द्वारा, निर्देशन के द्वारा। समझ में आया, तो ठीक है थोड़ी सी और हम बात करेंगे डिटेल में, इसके नीचे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे अगर हम परिभाषा का विश्लेषण करें, जो हमने ऊपर की परिभाषा पढ़ी है, अभी उसका विश्लेषण करें, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि जो निर्देशन है ये एक सहायता देने वाली प्रक्रिया होती है, सहायता देने की प्रक्रिया होती है। ऑब्वियस ही बात है, हम सहायता मांगते हैं जब हमारे सामने समस्या आती है, ठीक है। जैसे आप जब आप शिक्षक होते हो तो शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को तरह तरह की सूचना सूचना सहायता देते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम इस तरीके से करना है, तो ये क्या होगा, ये निर्देशन हो गया। दूसरा क्या है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं, किसमें, निर्देशन में, एक तो निर्देशन देने वाला व्यक्ति होता है, एक निर्देशन लेने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या होगी कि निर्देशन देने वाला जो व्यक्ति होगा वो निर्देशन पाने वाले व्यक्ति से अधिक परिपक्व, जानकार और कुशाग्र होता है। ये चीज ध्यान रखनी, आप लिख लेना मैं जो बोल रहा हूँ, आप उस पर नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोट्स हैं ये, बाकी मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ आपको। निर्देशन में व्यक्ति को समायोजन करने में मदद मिलती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था भाई, समायोजन, समाज के साथ समायोजन करने में क्या मिलती है, निर्देशन में मदद मिलती है, ठीक है। आगे बढ़े, निर्देशन में व्यक्ति को जीवन लक्ष्य को समझने में या जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है, अभी मैं हमने ऊपर पढ़ा ही था, ठीक है। निर्देशन, जो निर्देशन में हमें क्या होता है, अपनी जीवन की समस्या का समाधान करने में भी सहायता मिलती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता मिलती है, ये पॉइंट चाहो तो आप एक ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये हो गया, निर्देशन क्या हो गया, निर्देशन एक सहायता देने वाली प्रक्रिया हो गई, जिसमें जो हमें किसमें सहायता करेगी, हमें समाज के साथ समायोजन करने में सहायता करेगी, हमें जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी, और हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको, उनका समाधान करने में सहायता करती है, क्या, निर्देशन। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि निर्देशन के प्रकार क्या है, निर्देशन के प्रकार क्या है। देखो एक मिनट, हाँ, निर्देशन जो होता है आपका तीन प्रकार का होता है, एक तो होता है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा होता है शैक्षिक निर्देशन, और तीसरा है आपका व्यावसायिक निर्देशन, ठीक है। बात हम करेंगे कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है, हालांकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आप चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो। व्यक्तिगत निर्देशन क्या है, आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत, व्यक्ति को व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में जो निर्देशन दिया जाए, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उनके बारे में, यहाँ पे आप लिख लो व्यक्तिगत समस्याएं, यहाँ पे जो निर्देशन दिया जाएगा वो व्यक्तिगत समस्याएं के बारे में दिया जाएगा, ठीक है, व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में दिया जाता है। जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो अगर वो, ये भी क्या एक व्यक्तिगत समस्या है, इसके बारे में अगर निर्देशन प्राप्त कर रहा है तो उसे हम व्यक्तिगत निर्देशन कहेंगे। चरित्र निर्माण संबंधी समस्याएं जो होती हैं, विश्राम एवं समय का उपयोग संबंधी समस्याएं जो होती हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाती हैं, व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका व्यक्तिगत निर्देशन।
अगला देखिए शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। शैक्षिक निर्देशन साफ साफ आपको वर्ड से मिल रहा है, शिक्षा से संबंधित जो निर्देशन होगा। आपने देखा होगा कि स्कूल या कॉलेज में विभिन्न विषयों की शिक्षा के संबंध में छात्रों को जो निर्देशन दिया जाता है वही क्या है, आपका शैक्षिक निर्देशन है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें शिक्षक जैसे कोई विशेष निर्देश देना हो बच्चों को, या परीक्षण परामर्श, ये सब क्या होते हैं शैक्षिक कार्य, ये सब क्या किसके अंतर्गत आ जाते हैं, शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन क्या हुआ, शैक्षिक निर्देशन वो है जहां स्कूल के कार्यों में निर्देश, पहली बात किसकी हो गई, निर्देश की, कोई शिक्षक को निर्देश दे रहा है। परीक्षण दूसरा क्या आ जाता है, परीक्षण, स्कूल के कार्यों में निर्देश, परीक्षण एवं परामर्श के माध्यम से राय देने तथा सहायता पहुंचाने पर बल दिया जाता है। तो कहने का मतलब देखो, निर्देश अब कभी कभी क्या होता है, हम बच्चों को निर्देश देते हैं कि आपको ये काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है, या ये गलत है या ये सही है, निर्देश के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। परीक्षण के माध्यम से भी हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि हमने किसी बच्चे की परीक्षा ले ली, अगर वो बच्चा कम अंक प्राप्त करता है तो हम उसको कह देते हैं कि आप जो है इसमें आपके कम अंक आए हैं तो आपको इस तरीके से सुधार करना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके से परीक्षण के माध्यम से जो गाइडेंस हम देते हैं, तब परीक्षण के माध्यम से ही हमें ये पता पड़ता है कि कोई बच्चा कितना कमजोर है और कितना स्ट्रांग है, ठीक है। कमजोर है तो हम उसको उसी हिसाब से गाइड करते हैं। परामर्श, परामर्श भी हम देते हैं, परामर्श देंगे बच्चों को। देखो अभी मैं बताऊंगा निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम निर्देशन की बात कर रहे हैं तो निर्देशन के बारे में चर्चा करेंगे आप। अगला देखिए, अगला है व्यवसायिक निर्देशन। व्यवसायिक निर्देशन के बारे में बात करेंगे अभी। हाँ तो देखो व्यवसायिक निर्देशन क्या होता है, व्यवसायिक निर्देशन साफ साफ दिख रहा है कि व्यवसाय से संबंधित जो भी निर्देशन दिया जाता है, जो भी गाइड दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है, व्यवसायिक निर्देशन कहलाता है। आपको पता है कि जो कोई भी छात्र है, कि हर छात्र या व्यक्ति हर व्यवसाय धंधा के लिए योग्य नहीं होता। प्रत्येक आप कोई बच्चा है, मान लो कोई बच्चा विकलांग है, तो आप उससे कहो कि कोई वो फिजिकली वर्क कर ले तो नहीं कर सकता। मतलब प्रत्येक बच्चा, बच्चे की जो क्षमता होती है अंदर किसी भी कार्य को करने की, वो अलग अलग होती है। अब बात यह आती है कि उस क्षमता को पहचाने कैसे कि हम ये कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है किसकी, निर्देशन की। और निर्देशन कौन देता है, निर्देशन हमें शिक्षक देता है या कोई और व्यक्ति भी दे सकता है, ठीक है। तो हमें व्यवसाय कौन सा करना है, हमारे लिए कौन सा व्यवसाय उपयुक्त रहेगा, तो वो उस चीज की अगर हम बात करें, उसको हम कहते हैं व्यवसायिक निर्देशन। वो कौन देगा, वो आपका कोई भी व्यक्ति, आपका साथी, आपका शिक्षक, आपके माता पिता, कोई भी व्यक्ति आपको दे सकता है निर्देशन, ठीक है। क्यों इसके देने की जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि हमें पहचानना पड़ता है कि हम ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि है, अभिरुचि होती है या रुझान होता है, अभिक्षमता होती है, वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। अब आप भाई कोई व्यक्ति पढ़ने वाला है, आप उससे कहो, आप उसको अगर टीचर बनना है मान लीजिए, अब आप उससे कहो कि वो एक सिंगर बन जाए, सिंगर बन सकता है, नहीं बन सकता भाई। सिंगर की क्वालिटीज अलग होती है, टीचर की क्वालिटीज अलग होती है। तो हमें यही तो पहचानना है, हमें यही पहचानना है कि आप किस व्यवसाय के लिए योग्य हो, आपको क्या करना है, और उसका निर्देशन कौन देगा, उसका निर्देशन आपको शिक्षक देगा या माता पिता देंगे या आपके साथी शिक्षक, वो साथी लोग देंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इन चीजों को, इन क्षमताओं को, इन अभिक्षमताओं को, इन रुचियों को पहचान करके आपको जो निर्देशित करेगा, जो निर्देशन आपको मिलेगा, वो कहलाएगा आपका व्यवसायिक निर्देशन। क्या कहलाएगा, व्यवसायिक निर्देशन कहलाएगा। इतनी बात समझ के चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये तीनों समझा दिए हैं, आप चाहो तो खुद से नोट्स बना सकते हो, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य। अब हम बात करेंगे कि शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य क्या क्या है। तो शैक्षिक निर्देशन क्या करता है, आपको पाठ्यक्रम के चयन में मदद करता है। ऑब्वियस सी बात, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो शैक्षिक निर्देशन होता है उसमें आपको कौन कौन से विषय लेने चाहिए, तो इसके बारे में निर्देशित कौन करेगा, वो आपका शिक्षक करेगा। कौन करेगा, शिक्षक करेगा। छात्रों को अपनी अंतःशक्तियों को समझने में भी, जैसे आपकी रुचि कौन सी है, रुचि क्या है, एक आपकी अंतःशक्ति तो हुई, आपकी अभिक्षमता, आपकी योग्यता, ये सब क्या है, आपकी अंतःशक्तियां हैं। आप अपनी योग्यताओं को पहचानते हैं किसके द्वारा, आपकी योग्यताओं को बताता है कौन, बताता है शिक्षक बताता है, ठीक है। तो शैक्षिक निर्देशन में हम अपनी अंतःशक्तियों को समझने में भी, शैक्षिक निर्देशन हमारी मदद करता है अंतःशक्तियों को समझने में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं।
छात्रों में अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों के विकास में मदद करना। ऑब्वियस सी बात है, कोई बताने वाली बात तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। स्वस्थ समायोजन करने में मदद करना, स्वस्थ मतलब हेल्दी एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट आपका पूर्ण रूप से हो जाए किसके साथ, समाज के साथ, उसमें मदद करना शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा हथियार है जिससे आदमी किसी भी चीज को जीत सकता है, कहीं पर भी समायोजन कर सकता है, ठीक है। तो शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आप स्वस्थ समायोजन कर सकते हो। सामाजिक कल्याणों में सहायता करना, जब आपको पता पड़ जाएगा कि भाई जो जब आपको आपकी शिक्षा अच्छी होगी तो आप दूसरों के कल्याण के बारे में सोचोगे, सहानुभूति आपके अंदर होगी, दया आपके अंदर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सामाजिक कल्याण तो खुद ही खुद ब खुद ही हो जाएगा। व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। और भी अगर हम देखें तो शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य और भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल छात्रों में अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना, ये तो हो ही गया। इसके अलावा हम बात करें उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने में मदद करना, मतलब आपके पास में जितने भी संसाधन हैं उनका आप मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हो, उनके उसका उपयोग करना सिखाना, ठीक है। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि भाई मेरे पास ये बुक्स हैं, इतनी बुक्स हैं, इतनी बुक्स से हम कैसे पढ़ें, तो उसके बारे में जो निर्देशन आपको मिलता है वो शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से जो मिलता है, मतलब कम संसाधनों में भी अच्छे से अच्छा करने की जो क्षमता होती है वो शैक्षिक निर्देशन के द्वारा मिलती है, ठीक है। छात्रों में पाठ्यक्रम के प्रति उचित अभिरुचि विकसित करने में भी सहायता किसके द्वारा मिलती है, शैक्षिक निर्देशन के द्वारा मिलती है। आई थिंक इतना काफी होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हम बात करेंगे शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियों के बारे में, शैक्षिक निर्देशन की कौन कौन सी प्रविधियां होती हैं, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, तो ये दो प्रविधियां हैं यहाँ पे, एक तो है वैयक्तिक निर्देशन, दूसरी कौन सी है, सामूहिक निर्देशन। सिंपल सी बात है, वैयक्तिक निर्देशन में क्या होता है, इसमें जो निर्देशक होता है यानी गाइड होता है छात्रों से व्यक्तिगत स्तर पर, छात्रों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क करता है तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करके परामर्श देता है, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक बच्चे से अलग अलग संपर्क करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका वैयक्तिक निर्देशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, इसमें साक्षात्कार शामिल होता है, आपने देखा होगा इंटरव्यू में एक ही व्यक्ति होता है, एक जो जो गाइड लेने वाला होता है वो एक ही होता है, और गाइड देने वाले काफी सारे होते हैं। बुद्धि परीक्षण भी आप कर सकते हो, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है जो आपका अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। आप उपलब्धि परीक्षण से ये पता पड़ता है कि आपने कोई अमुक क्षेत्र या विषय में कितना ज्ञान अर्जित कर पाया है, तो उससे भी पता कर सकते हो आप। फिर है प्रश्नावली, प्रश्नावली क्या होती है, इसमें कहने का मतलब उन प्रश्नों को रखा जाता है जो मूलतः छात्रों की दैनिक समस्याओं, घरेलू वातावरण, व्यक्तिगत आदतों और शौक आदि संबंधित होते हैं, तो वो प्रश्नावली के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। आगे देखो जीवन आंकड़ों का रिकॉर्ड, जीवन आंकड़ों का रिकॉर्ड मतलब जैसे आपने देखा होगा एक विद्यालय में जीवन आंकड़ों का रिकॉर्ड बनता है, अब तो CBSE ने वो अलाउ कर दिया है। उसमें क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े होते हैं, किसी भयानक बीमारी संबंधित आंकड़े हैं, या माता पिता की बीमारी, माता पिता की शिक्षा संबंधित आंकड़े, व्यवसाय, घर में भाई बहनों की संख्या, माता पिता की आय वगैरह, ये सब किस में जाती है, जीवन आंकड़ों में जाती है, ठीक है। तो इनको देख करके, इनको बेस बना करके, इनको आधार बना करके हम निर्देशन देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। आगे हम देखें तो सामूहिक निर्देशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप इसमें जो शैक्षिक निर्देशन देने वाला व्यक्ति होता है वो एक छात्रों के छोटे समूह को तैयार करता है और उनको एक साथ परामर्श देता है, इसमें एक समूह को परामर्श दी जाती है, एक साथ समूह को परामर्श दी जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आ जाएगा आपका, प्रश्नावली आपके दोनों में आ जाएंगे, प्रश्नावली एक व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, प्रश्नावली कई सारे व्यक्तियों के लिए भी हो सकती है, दोनों में कॉमन रहेगी। फिर है सामान्य अनुकूलन वार्ता, सामान्य अनुकूलन वार्ता का मतलब यह है कि सीधा सीधा आपसे जो है ओरिएंटेशनल टॉक की जाएगी, कई सारे ग्रुप में बच्चों को बैठा दिया जाएगा और उनको साथ बैठा करके उनसे एक सामान्य सी बात, जो जनरली हम बात करते हैं वैसी बातें उनसे की जाएंगी, और उनसे जो भी वो रिप्लाई देंगे उनको आधार बना करके निर्देशित उनको किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता नहीं कि गांव में देखते हो कि जब पंचायत वगैरह पहले लगा करती थी तो वो उसको हम कह सकते हैं सामान्य अनुकूलन वार्ता, मतलब लोगों की समस्याएं पूछी जाती थी कि बताओ भाई समस्या आपको क्या है, तो उनकी समस्या को देख करके उनको निर्देशित किया जाता था, तो इस टाइप से कह सकते हो।
दूसरी चीज क्या है, दूसरा यहाँ पे आपकी आती है अनुवर्ती क्रियाएं। तो देखो अनुवर्ती क्रियाएं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो अनुवर्ती क्रियाएं हैं क्या होती है, देखो अनुवर्ती क्रियाएं कुछ नहीं है, ये एक तरीके की रिएक्शंस होती हैं। जैसे मान लो आपने कोई निर्देशन दिया, किसी भी बच्चे को निर्देशन दिया, ठीक है, अब क्या होगा कुछ समय बाद उसका उसको उसको पता किया जाएगा कि उस निर्देशन से उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हुआ है नहीं हुआ है, छात्रों में संतोषजनक प्रगति हो रही है नहीं हो रही है। प्रगति नहीं हो रही है तो ये समझा जाएगा कि निर्देशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो उसको दोबारा से कोई नया निर्देशन दिया जाएगा, फिर उसको चेक किया जाएगा, फिर निर्देशित किया जाएगा, फिर कमी रह गई तो फिर से निर्देशित किया जाएगा। तो कहने का मतलब अनुवर्ती क्रिया का मतलब यह है कि एक के बाद एक क्रियाएं की जाएंगी, निर्देशन एक के बाद एक एक करके दिया जाएगा जब तक कि उस समस्या का समाधान ना हो जाए, ये कहलाता है अनुवर्ती क्रिया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपके हो गए शैक्षिक निर्देशन की प्रवृत्ति, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आ जाता है परामर्श का। देखिए समझते हैं कि आप परामर्श क्या होता है। परामर्श क्या है, परामर्श एक तरीके से देखा जाए इसका जनरल मीनिंग समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं देखो परामर्श और निर्देशन है क्या। मैं आपको आपको सिंपल सा समझा दूं कि देखो जो निर्देशन होता है ना, निर्देशन एक तरीके से एक व्यापक प्रक्रिया हो जाती है, और परामर्श जो है एक संक्रिय प्रक्रिया है। कहने का मतलब समझो मेरी बात को। देखो अगर ये मान लो परामर्श है, ये अगर परामर्श है तो आपका ये जो होगा ये आपकी हो जाएगी निर्देशन, ये आपका हो जाएगा निर्देशन, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परामर्श। कहने का मतलब है परामर्श जो है वो निर्देशन की एक छोटी सी प्रक्रिया है। परामर्श जो है वो निर्देशन की क्या है, एक छोटी सी प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम परामर्श दे रहे हैं तो उसको निर्देशन भी कह सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। वैसे परामर्श निर्देशन में कोई अंतर नहीं है कि प्रत्येक परामर्श एक निर्देशन कहलाएगी, लेकिन प्रत्येक निर्देशन परामर्श हो जरूरी नहीं है। देखते हैं कैसा है। देखो परामर्श क्या होती, निर्देशन क्या है, निर्देशन तो आपका कहा जाए कि एक सामान्य अवस्था में भी दिया जा सकता है। निर्देशन जो है जीवन भर चलता रहता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है निर्देशन। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ गाइडेंस, जीवन में समस्या आती रहती है तो किसी से निर्देश प्राप्त करके उन समस्याओं का समाधान करता ही रहता है, ठीक है। लेकिन परामर्श क्या होती है, परामर्श में जो कोई जो सूचना दी जाती है उसका मूल उद्देश्य जो होता है वो किसी विशेष आदत या लक्षण को दूर करना होता है। कहने का मतलब यह है कि यह एक तरीके से चिकित्सीय प्रक्रिया होती है। जब कोई गंभीर समस्या आपके सामने आ जाती है, बहुत गंभीर समस्या जब आ जाती है, तो आपको जो सूचना दी जाएगी परामर्श में, ठीक है, जो सूचना दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, परामर्श कहलाएगी। आपको मान लीजिए कि आपका कोई स्वास्थ्य खराब है और गंभीर समस्या है, स्वास्थ्य खराब है, तो स्वास्थ्य जब खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जब जा रहे हो तो वो आपकी परामर्श कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो परामर्श कहलाएगी, ठीक है, निर्देशन नहीं, क्या कहलाएगी, परामर्श। ये एक तरीके से क्या है, एक चिकित्सीय उद्देश्य से जो दिया गया निर्देशन जो होता है वो परामर्श कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके को कोई अगर कोई बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है तो उस समस्या को लेकर के आप किसी व्यक्ति का निर्देशन प्राप्त कर रहे हो, तो उस निर्देशन को हम क्या कह देंगे, परामर्श कह देंगे। परामर्श एक निर्देशन ही है, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज होगी परामर्श। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि परामर्श एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो परामर्श जिससे मदद की आवश्यकता होती है तथा परामर्शदाता जो प्रशिक्षित होता है को एक साथ मिलाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो परामर्श है एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो परामर्शी और परामर्श को एक साथ मिलाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम और भी अंतर देखें किसमें, आपके परामर्श और शैक्षिक निर्देशन में। देखो निर्देशन जो होता है उसका क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है, निर्देशन का क्षेत्र व्यापक होता है। और अगर हम बात करें परामर्श जो होता है, परामर्श निर्देशन का ही एक विभाग होता है, परामर्श का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, ये कह सकते हो। दूसरा क्या है, जो निर्देशन की आवश्यकता होती है वो सभी व्यक्तियों को होती है, जनरली सभी व्यक्तियों को होती है, लेकिन जो अगर परामर्श की बात करें तो परामर्श की आवश्यकता उन्हीं व्यक्तियों को होती है जो गंभीर है, गंभीर रूप से उनका स्वास्थ्य गंभीर है, या शैक्षिक या व्यवसायिक या मनोवैज्ञानिक रूप से गंभीर है, उन्हीं व्यक्तियों को आवश्यकता होती है परामर्श की। तीसरा अंतर अगर हम देखें तो
आपका जो निर्देशन होता है वो व्यक्तिगत भी होता है, सामूहिक भी होता है, लेकिन परामर्श कैसी होती है? केवल व्यक्तिगत रूप में होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है, परामर्श केवल व्यक्तिगत रूप में दी जाएगी, लेकिन आपका जो निर्देशन होगा वो आपका दोनों रूप में दिया जाएगा, व्यक्तिगत रूप में भी और निर्देशन और सॉरी सामूहिक में। दूसरी चीज क्या है कि निर्देशन जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, लेकिन परामर्श केवल कुछ ही समय के लिए आपको आवश्यकता उसकी होती है, परामर्श की जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। निर्देशन क्या होता है, इसमें समय, शक्ति व वित्तीय, ये कहने का मतलब यह है इसमें समय भी कम लगता है निर्देशन में, शक्ति भी कम लगती है और आपका खर्चा भी कम होता है निर्देशन में। लेकिन अगर हम बात करें परामर्श की, तो परामर्श में समय और खर्च दोनों ही ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब देखो, मैं बता रहा हूँ भाई, जब आप परामर्श लेने जाते हो ना किसी व्यक्ति से, स्पेशल जब परामर्श लेने जाओगे तो वो आपसे पैसे लेगा। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर वास्तव में करता क्या है, आपको परामर्श देता है, दवा लिख दी आपने कि भाई दवा ले लो जाकर के, ये तो उसने क्या दी, परामर्श दी, ठीक है, तो उसके क्या हुए, पैसे खर्च हुए। लेकिन निर्देशन क्या है, निर्देशन के लिए आपको पैसे खर्च नहीं होते, आपके निर्देशन के लिए पैसे खर्च नहीं होते, ठीक है। निर्देशन तो आपको कोई भी दे सकता है, कोई भी मान लो आपके माता पिता ने दे दिया, दोस्त ने दे दिया, शिक्षक ने दे दिया, तो उसके पैसे खर्च आपके नहीं होते। लेकिन परामर्श के पैसे आपके स्पेशल कोई पैसे लगते हैं, अगर कोई निर्देशन है इसके पैसे जा रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, परामर्श बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला जो है यहाँ पर, वो अगर निर्देशन की बात करें तो निर्देशन के लिए आपका साक्षात्कार जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका साक्षात्कार लिया जाए तभी आपको निर्देशन दिया जाए, लेकिन लेकिन परामर्श के लिए क्या है, आपका साक्षात्कार जरूरी होता है, ठीक है। साक्षात्कार क्या होता है, जरूरी होता है। एक और देखें, तो निर्देशन का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, उस कार्य का जो निर्देशन का कार्य जो होता है वो स्वयं व समाज का कल्याण करना होता है, निर्देशन का कार्य। लेकिन परामर्श का देखें तो परामर्श का कार्य क्या होगा, परामर्श का कार्य होगा कि खुद के जो गंभीर समस्या है, खुद के तनाव को दूर करना, जीवन की नई राह दिखाना, ये कार्य होता है किसका, परामर्श का। तो आई थिंक इतने अंतर काफी है, अब आप परामर्श और निर्देशन में अंतर समझ गए होंगे। लेकिन फाइनली देखा जाए तो जो परामर्श होती है निर्देशन का ही एक भाग होता है छोटा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, परामर्श एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है क्या, परामर्श जो मैंने बताई दिया आपको। दूसरा क्या है, परामर्श एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कभी भी आपको जरूरत जीवन भर पड़ती रहती है। परामर्श का मुख्य उद्देश्य परामर्शी के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाना होता है जिससे उसके जीवन की सार्थकता में वृद्धि हो। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी जीवन में ऐसी गंभीर समस्याएं आ जाती हैं जिससे व्यक्ति काफी ज्यादा हताश हो जाता है, तो परामर्श का उद्देश्य यह होता है कि वो उसके जीवन में परिवर्तन लेकर के आए, ठीक है। परामर्श का स्वरूप जो होता है विकासात्मक, विरोधात्मक, उपचारात्मक होता है। परामर्श जो होती है आपकी, उसका स्वरूप क्या हो सकता है, आपका विकासात्मक हो सकता है, ठीक है। विरोधात्मक भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी परामर्श ऐसी हो जाती है जिससे कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, अगर परामर्श आपको सही नहीं मिली तो। उपचारात्मक भी होता है, उपचार भी मिलता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया, अगला बढ़ते हैं, परामर्श में परामर्शी का साक्षात्कार नहीं होता है। तो परामर्शन में परामर्शी का साक्षात्कार नहीं होता, ये गलत लिखा है, परामर्शन में परामर्शी का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, साक्षात्कार जरूरी है किसमें, परामर्श में, लेकिन निर्देशन में साक्षात्कार जरूरी नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सही कर लेना। तो देखो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक था, और यहाँ पर आपका जीवन कौशल का आज एंड हो जाता है। और ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो मैंने 6 वीडियोस बनाए हैं, इन 6 वीडियोस को अगर आपने पढ़ लिया तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जीवन कौशल में। देखो जीवन कौशल बेसिकली देखा जाए तो इससे बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन आपको इसके करवाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कि जीवन कौशल सॉरी शिक्षण कौशल आपको और करवा दूँ। शिक्षण कौशल को कराने के बाद, जब शिक्षण कौशल आपका खत्म करा दूंगा, उसके बाद मैं आपके इसके क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट करूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं जो है जीवन कौशल और शिक्षण कौशल दोनों के क्वेश्चन एक साथ आपको को प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, प्रैक्टिस भी हम करेंगे, और धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को लेकर के हम आपके सारे सुपर टेट सिलेबस को खत्म कराने के लिए तत्पर हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करिए
सब्सक्राइब कराइए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।